हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले। तो आज हम लेके आए तुम्हारे इंडर रेकर्स रोना थ्री को ओपन न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइस, तुम्हारी इंडर रेकर्स रोना थ्री गेम प्ले में फाइनली तुम्हारे निशो देशवाल भाई का ट्रैक्टर ऐड हो चुका है। और जो ट्रैक्टर ऐड हुआ है वो नया वाला ट्रैक्टर ऐड हुआ है या पुराना वाला ट्रैक्टर, मतलब एक तो 1855 ट्रैक्टर पहले से था तुम्हारी गेम प्ले में, उस पर जो मॉडिफिकेशन अप्लाई हुई है, पूरा ट्रैक्टर चेंज हुआ है, क्या हुआ है रियलिटी में, क्या चीज़ हुई है, तो आज इस वीडियो में वो दिखाने वाला हूँ। और इसके अलावा मतलब कि तुम्हारे जो स्वराज 855 ट्रैक्टर पर जो मतलब कि विद डीजे फोटो, जो मतलब निशु भाई का फोटो लग रहा है तुम्हारे डीजे पर, ठीक है ना, वो डीजे हम सभी ट्रैक्टर पर, चाहे देखो सोनालिका हो, चाहे आयसर हो, कोई सा भी ट्रैक्टर हो, सभी पर अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते सब, मतलब कि उस वाले डीजे को सभी ट्रैक्टर पर ले सकते हैं या नहीं, तो आज इस वीडियो में वो भी करके दिखाऊंगा। और इसके अलावा अब तो तुम्हारे गेम प्ले का मतलब निशु देशवाल भाई का स्वराज 855 ट्रैक्टर ऐड हो गया, ठीक है, आज ऐड हो गया। आप ये अपडेट कब आएगा भाई, ये वाला अपडेट आप सभी को कब तक मिलेगा, निशु भाई का ट्रैक्टर कब आप सभी, मतलब कि हम सब तो ड्राइव कर पा रहे हैं बट आप सब कब तक ड्राइव कर पाओगे, तो आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। तो इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहना और चैनल पर नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो गाइस लेट्स गो। तो हाँ, तो गाइस मतलब कि तुम्हारे इंडियन व्हीकल्स नोना 3D गेम प्ले में फाइनली तुम्हारे निशु देशवाल भाई का न्यू स्वराज 855 ट्रैक्टर ऐड हो चुका है विद मॉडिफिकेशन विद डीजे फोटो, मतलब सब चीज़ ऐड कर दी है जो निशु देशवाल भाई का स्वराज 855 ट्रैक्टर पे थी ना, वो सभी चीज़ ऐड कर दी है। और एक चीज़ और, मतलब कि ये भी कमेंट आ रही है कि भाई टोचन किंग, मतलब कि टोचन किंग तो ऑलरेडी है, उस टोचन किंग पर हम ये भी अप्लाई करके देखेंगे कि जो तुम्हारा निशु देशवाल भाई का फोटो के साथ जो डीजे ऐड हुआ है ना, उसको मतलब कि जॉन डीरे ट्रैक्टर पर ले पाते हैं या नहीं, ठीक है। बट उससे पहले हम तुम्हारा निशु देशवाल भाई का स्वराज 855 ट्रैक्टर स्पेम करेंगे, पहले तो स्क्रॉल करके देख लेंगे कि तुम्हारा निशु भाई का ट्रैक्टर है या नहीं, ठीक है। उसके बाद हम मतलब कि जो स्वराज नाम से ट्रैक्टर है उसको स्पेम कर लेते हैं, मतलब कि तुम्हारा जब हम स्वराज को स्पेम करेंगे ना, मतलब कि कोई अलग से मतलब कि ट्रैक्टर नहीं ऐड हुआ है, वो पुराना वाला ही ट्रैक्टर जो ओल्ड ट्रैक्टर था ना तुम्हारा स्वराज 855 ट्रैक्टर, उसी को कन्वर्ट करके न्यू में कन्वर्ट कर दिया है। और जो मतलब कि कमेंट आ रही थी कि भाई डायनासोर रिमूव कर दो, ये रिमूव कर दो, तो वो सब चीज़ रिमूव कर दी है। और भाई बम्पर करने का देखो चेंज, बम्पर रिमूव करने का भी ऑप्शन है, डीजे रिमूव करने का भी ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन है। अब ये कमेंट और आइए कि भाई जो तुम्हारा साइलेंसर है ना, जो साइलेंसर है जो मतलब कि धुआं देता है तुम्हारे ट्रैक्टर में फटफट मचाता है, वो साइलेंसर करने का भी, रिमूव करने का भी ऑप्शन दे दो। तो देखते हैं तुम्हारे जो व्हीकल मॉडिफिकेशन का जो अपडेट आएगा ना, इसके बाद जो अपडेट आएगा उसमें साइलेंसर रिमूव करने का भी ऑप्शन ऐड कर देंगे। और इसके अलावा अब हम देखते हैं मतलब कि तुम्हारा स्टर्न मोड भी ऑन कर लिया है, मतलब कि जैसे कि हम डीजे चेंज करते थे ना, अपने ट्रैक्टर के डीजे चेंज करते हैं, मतलब कि पहले कस्टमाइज पर जाते हैं, मोड से जाते हैं, फिर ट्रैक्टर मोड से जाते हैं, वहाँ जाकर मतलब कि स्क्रॉल करने का ऑप्शन है डीजे, मतलब कि स्क्रॉल करते जाओ तो डीजे चेंज होते जाते हैं, तो वहां से हम दूसरे ट्रैक्टर पर अप्लाई करके देखेंगे कि मतलब कि उसको स्क्रॉल कर पाते हैं या नहीं। और एक साथ दो स्वराज लेके देखते हैं कि एक साथ दो स्वराज ट्रैक्टर सेम, मतलब कि सेम स्वराज, मतलब कि 855 ले पाते हैं नहीं, तो हम एक साथ दो ट्रैक्टर, तो मतलब कि पहले से ही ऑप्शन है तुम्हारे गेम प्ले में कि एक साथ दो ट्रैक्टर हम मतलब कि ले सकते हैं, स्पेम कर सकते हैं। बट ये भी कमेंट आते हैं कि भाई मल्टीपल व्हीकल स्पेम करने का ऑप्शन ऐड कर दो, तो देखो मैं आपको सबको सबसे पहले बता दूं, हम मल्टीपल व्हीकल स्पेम करने का ऑप्शन क्यों नहीं ऐड कर सकते इस गेम प्ले में। आपने देखा होगा जो ये गेम है ना, बहुत डिफरेंट है, बहुत समझे, जितने भी बहुत सारे गेम है तुम्हारे मतलब कि प्ले स्टोर पर, उनसे बहुत ज़्यादा अलग गेम है ये वाला, ठीक है। इसमें हम मल्टीपल व्हीकल स्पेम करने का ऑप्शन इसीलिए नहीं दे सकते हैं कि गेम, मान के चलो बहुत सारे तुम व्हीकल मतलब कि स्पेम कर लोगे ना, तो तुम्हारा गेम भाई मोबाइल में चलेगा नहीं, बहुत ज़्यादा लैग होगा, मतलब कि रुक रुक के चलेगा गेम, तो इसीलिए हम वो ऑप्शन दे ही नहीं रहे हैं। एक आध दो मतलब कि ऐसा दे सकते हैं फ्यूचर में कि एक आध दो व्हीकल और स्पेम कर पाओ, मतलब कि देखो अब आने वाले कुछ दिनों के जो अपडेट आएंगे ना, जो और काम चलेगा अभी अपडेटों पे, उन अपडेटों में और खतरनाक चीज़ आने वाली है, मतलब कि टोचन, मतलब कि जैसे तुम्हारी ट्रॉली है उसको अलग करने का ऑप्शन, और तुम्हारे जो इम्प्लीमेंट है उनको अलग करने का ऑप्शन, तो आने वाले जो अपडेट है ना उनमें बहुत खतरनाक चीज़ें आने वाली हैं, जो कि आप सब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई हमारे गेम प्ले में ये भी ऐड हो सकता है। मतलब कि जो FS 19 है गेम, तो मतलब कि वो भी है, हम उसको भी खेल सकते हैं, बट इसको हम थोड़ा डिफरेंट बनाएंगे, उसे ऐसा नहीं बनाएंगे, उसे थोड़ा डिफरेंट गेम बनाएंगे। सेम गेम हमें किसी की ना कॉपी करनी है और ना किसी का जैसा गेम बनाना, बिल्कुल डिफरेंट गेम बनाना, सबसे अलग हटके गेम बनाना है जब ही हमारा गेम चलेगा। अब मैंने यहाँ पर जॉन्डियर ले लिया, ठीक है, जॉन्डियर ले लिया, तुम्हारा टोचन किंग ले लिया। अब यहाँ पर मैं जो तुम्हारा निशु भाई का जो मतलब कि डीजे ऐड किया है ना, उसको स्क्रॉल कर करके देख रहा हूँ, वो तुम्हारे हम दूसरे ट्रैक्टर पर ले नहीं पा रहे हैं। बट जो अपडेट आप सभी के पास अभी, मतलब कि तुम्हारे स्वराज 855 ट्रैक्टर पर ही वो डीजे ऐड किया है,
आने वाला जो अपडेट आएगा ना, जब तुम्हारे पास अपडेट आएगा मतलब कि या तो हो सकता है कि एक आधो दिन में वो भी चीज़ देखने को मिल जाए कि हम जितने भी ट्रैक्टर हैं, चाहे देखो तुम्हारा जॉन डियर हो, चाहे तुम्हारा सोनालिका हो, स्वराज हो, कोई सा भी ट्रैक्टर हो तुम्हारे गेम में, सभी ट्रैक्टर पर वो वाला डीजे तुम्हारे ऋषु देसवाल भाई का डीजे हम ले पाएँ विद फोटो के साथ, ठीक है ना। तो वो भी आएगा आप सभी के पास। और इस अपडेट में कौन कौन सी चीज़ मान के चलो स्वराज 800 ट्रैक्टर तुम्हारे गेम प्ले में ऐड हो गया, ठीक है। और इसके अलावा और कौन कौन से न्यू व्हीकल और ऐड होंगे, और अभी फिलहाल में जो काम चल रहा है वो किस चीज़ पर तुम्हारा फर्क चल रहा है। देखो हमें अभी मतलब कि हमने ना कल मतलब कि स्वराज 855 से पहले हमने एक मॉडल रेडी किया था, मतलब स्वराज 855 तो ट्रैक्टर तुम्हारे गेम में ऐड ही हो रहा था, ठीक है। उसके अलावा हमने एक मॉडल बनाया है तुम्हारी XUV 700 का, महिंद्रा की XUV 700 कार है, उसका भी हमने मॉडल रेडी कर दिया, अभी गेम में ऐड नहीं किया है। अगर तुम कमेंट करती हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। सबसे पहले मैं आप सबको चलो तुम्हारी मतलब कि जो XUV 700 कार है ना उसको दिखा देता हूँ कैसी एक्चुअल में दिखने वाली है। तो हाँ, तो गाइस मतलब कि जो तुम्हारी XUV 700 है कुछ इस टाइप से इसका मॉडल बनाया है, मतलब कि इसमें ना कुछ कस्टमाइजेशन की है, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने इसमें कस्टमाइज़ की हैं, रियल इंटीरियर भी है एंड इसका मतलब कि जो लुक है ना वो मतलब कि जो इंटीरियर है जो कि XUV 700 का सबसे जो प्यारा अच्छा लगता है ना वो तुम्हारा इंटीरियर भी अच्छा लगता है। तो आप सब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि XUV 700 किस किस की फेवरेट है। और मैं एक चीज़ तो पूछना भूल ही गया कि निशु देसवाल भाई का स्वराज 855 ट्रैक्टर कैसा लगा, अब तो भाई कमेंट कर दो। अब ये कमेंट मत करना कि आज ही अपडेट दे दो, ऐसा नहीं हो सकता यार, अपडेट इतनी जल्दी नहीं दे सकते। अभी तुम्हारा 963 ट्रैक्टर भी रह गया है, उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, उसको कस्टमाइज़ करना है अभी। हाँ, एक चीज़ और कि जो तुम्हारा जो डीजे ऐड हुआ है ना, तुम्हारे निशु भाई का जो डीजे ऐड हुआ है जिस पर हिंदू लिख रही है उनका फोटो है, ये डीजे सभी ट्रैक्टर पर अप्लाई करना है, चाहे देखो जॉन डियर हो, जितने भी तुम्हारे सभी ट्रैक्टर है ना उन पर सभी पर अप्लाई करना है अभी, मतलब कि ऐड करना है, ऑप्टिमाइज़ करना है, कस्टमाइज़ करना है, और इसका थोड़ा टेक्सचर्स भी अच्छा करना है। तो आप सब कमेंट करके बताना, अभी टाइम लगने वाला अपडेट है, का दो दिन में नहीं आने वाला। अभी मैं आप सबको बताऊंगा कि अपडेट में और कितना टाइम लगने वाला है। और अब इस ट्रैक्टर पर ना हम फुल लोड लाद के देखते हैं कि मतलब कि जो पत्थर लेते हैं ना, पत्थर लेते हैं मतलब कि कस्टमर में जाके ट्रॉली लोड में जाके अब पत्थर लेते हैं, इस ट्रॉली में मतलब कि पत्थर भरते हैं, और फिर देखते हैं जो तुम्हारे निशु भाई का जो ट्रैक्टर है वो कितना लोड ले सकता है। और इसके अलावा मतलब कि जो तुम्हारा स्वराज 855 ट्रैक्टर है इस पर मतलब कि लोड करने का सिस्टम, एंड इसके अलावा हाँ एक चीज़ और मैं सोच रहा था कि भाई जो टायर फंसने वाला जो सिस्टम आएगा ना उसमें मतलब कि हम प्रॉपर जैसे रियल लाइफ में ट्रैक्टर लोड लेता है ना, मतलब कि फुल भरने के बाद, मतलब गेहूँ भर लो, धान भर लो, या मट्टी भर लो, या कुछ भी भरने के बाद जैसे मतलब कि फुल लोड लेता है ना तुम्हारा ट्रैक्टर, लाइक तुम्हारा वही इफेक्ट ऐड करने वाले हैं और वही सिस्टम आएगा इन फ्यूचर। अभी नहीं आने वाला इस अपडेट में, तो देखो कुछ नहीं ऐड कर सकते, हो सका तो इससे जो अगले वाला जो अपडेट आएगा ना व्हीकल मॉडिफिकेशन वाला, उस अपडेट में आप सभी को वो चीज़ देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा अभी कौन कौन से न्यू व्हीकल और ऐड होने, एक तो तुम्हारा 1600-963 ट्रैक्टर हो गया, इसके अलावा उस पर काम चल रहा है, वो एक आधे में ऐड हो जाएगा तुम्हारे गेम में। एंड उसके बाद जो तुम्हारे JCB के मिशन है ना, JCB के मिशन में क्या होने वाले हैं, अभी जैसे कि ये पत्थर है, ठीक है, अभी समझना मेरी बात, अभी ये फिलहाल में तुम्हारे पास बहुत मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थर हैं, इनको हम भर भी नहीं पाते बहुत, मतलब कि JCB खोचे में अगले में कम आते हैं, तो हम क्या करने हैं कि इनसे छोटे फिर छोटे फिर छोटे, मतलब कि कम 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 छोटे छोटे साइज के ना तुम्हारे और पत्थर ऐड करने, मतलब कि पहले सबसे छोटा होगा, फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे बड़े बड़े कर करके ना पत्थर हम इसमें ऐड करने वाले हैं। और भाई ये बड़े पत्थर में तो और ज़्यादा मज़ा आता होगा, एक तो रॉक्स होते हैं, चट्टान होती है ना, उनको उखाड़ने का भरने का उनमें तो अलग ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि तुम्हारी JCB जब लोड लेगी पीछे तो उठेगी ना, जब और ज़्यादा मज़े आएंगे उस मिशन को करने में, तो तुम्हारे सब तरह के पत्थर रोड़ी हो सकती तो रोड़ी भी ऐड कर सकते, मतलब कि ज़्यादा बारू जैसा चीज़ नहीं कर सकते, बारू और मट्टी हम इसीलिए नहीं भर सकते क्योंकि तुम्हारा जब ट्रैक्टर मतलब कि उस पर गलती से चढ़ भी जाया करेगा ना तो उछला करेगा, तो इसीलिए वो ऑप्शन नहीं ऐड कर सकते। बट जो मिशन में आई है ना वो बहुत खतरनाक चीज़ होने वाली है, जब तुम्हारे पास जब अपडेट आएगा ना वो भी आप सबको बहुत जल्दी चीज़ देखने को मिलेगी, क्या क्या चीज़ मिशन में ऐड होनी है तुम्हारी JCB के में, वो भी आप सभी को बहुत जल्दी गेम प्ले वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले तो मतलब कि हमारे पास ही अपडेट आता है, उसके बाद तुम सभी देख पाते हो, मतलब कि सबसे पहले हमारी वीडियो में देखोगे, उसके बाद फिर तुम मतलब कि ये कमेंट करोगे भाई न्यू अपडेट दे दो। तो देखो अभी से मतलब कि न्यू अपडेट की डिमांड मत करना, क्योंकि पहले ये काम अच्छे से करने दो, क्योंकि तुम्हारा ट्रैक्टर भी थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करना, ये वाला तुम्हारा निशु भाई का जो ट्रैक्टर है ना वो को थोड़ा टेक्सचर से अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लेना है, उसके बाद तुम्हारे गेम प्ले में अच्छे से मतलब कि जैसे लुक अच्छा हो जाएगा ना तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी, उसके बाद फिर 963 ट्रैक्टर हो जाएगा, JCB की मिशन हो जाएगा, उनके बाद तुरंत तुम्हारे गेम प्ले का अपडेट आ जाएगा। मतलब कि अब जान ही लेते हैं कि तुम्हारे गेम प्ले का न्यू अपडेट कब आ जाएगा। देखो तुम्हारे निशु भाई का ट्रैक्टर ऐड हो गया, हमने बोली थी अगर जैसे निशु भाई का ट्रैक्टर ऐड हो जाता है तो तुम्हारे गेम प्ले का अपडेट एक हफ्ते बाद आ जाएगा, क्योंकि देखो 963 ट्रैक्टर हो गया, वो भी शायद मतलब कि अगर कल या परसों में 963 ट्रैक्टर ऐड हो जाता है ना तो फिर तुम्हारे गेम प्ले का अपडेट मतलब कि आ जाएगा। अभी डेट फिक्स नहीं रिवील करूंगा,
की डेट फिक्स क्या होने वाली है। एक आध दो दिन मतलब कल या परसों की वीडियो में आप सभी को डेट फिक्स भी देखने को मिल जाएगी कि क्या तुम्हारे गेम प्ले की डेट फिक्स होने वाली है। आप तब तुम निशु भाई का ट्रैक्टर कब तक ड्राइव कर पाओगे, कब तक चला पाओगे, ये सब चीज़ ना एक आध दो दिन के अंदर आप सभी को देखने को मिल जाएंगी मेरी वीडियो में, ठीक है। तो और एक चीज़ और मतलब कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को लाइक देखो, लाइक और कमेंट जरूर करा करो, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और फिर वो चीज़ डिमांड होती है ना उस चीज़ को वो जल्दी ऐड हो जाती है, ठीक है ना। एंड आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।